नमस्कार। टॉपिक है हमारा बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, वही टॉपिक है, कंटिन्यूशन में चल रहा है। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के संदर्भ में हम प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी ने एक और निर्णायक संघर्ष किया और उस संघर्ष का नाम है बक्सर का युद्ध, जो प्लासी की अपेक्षा कहीं अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण युद्ध भारत के इतिहास में माना जाता है। या यूँ कहें कि कंपनी ने जो बंगाल में अपने पावर की स्थापना की थी, अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, उस साम्राज्य की स्थापना में इम्पोर्टेंट पड़ाव है बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के पश्चात कंपनी बंगाल में नवाब निर्माता बन गई थी। सिराजुद्दौला के पश्चात कंपनी ने अपने प्रतिनिधि मीर जाफर के साथ समझौता किया था और समझौते के तहत प्लासी के युद्ध में के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था। मीर जाफर का जो पीरियड है 1757 से 1760 तक का समय। मीर जाफर का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके समय में शासन की वास्तविक शक्ति का जो उपयोग किया गया था वो क्लाइव के द्वारा किया गया, जो कि फोर्ट विलियम के गवर्नर थे, और शासन से संबंधित तमाम जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो क्लाइव के द्वारा लिए गए थे। तो यहाँ से कंपनी के द्वारा बंगाल के शासन में सीधे हस्तक्षेप की शुरुआत होती है। इस टाइम पीरियड की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस समय बंगाल के शासन में इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई देती है हमको, वो है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की शुरुआत। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य की शुरुआत किस प्रकार से हुई? क्लाइव के कहने पर या अंग्रेजों के कहने पर मीर जाफर ने हिंदुओं को साधारणतः सभी उच्च पदों से हटा दिया है और उनकी जगह पर मुसलमानों की नियुक्ति की। अंग्रेजों की जो पॉलिसी है जिसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत में साम्राज्य की स्थापना की है, वो जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, विभाजन करके शासन करने की नीति की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कंपनी की शासन की शुरुआत बंगाल में यहाँ से शुरू होती है। बहुत सारे हिंदू शासकों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाई की गई, जैसे कि बिहार के राम नारायण है, उड़ीसा के राम सिंह है, पूर्णिया के युगल सिंह है। क्लाइव ने इन सब के जो विद्रोह हुए थे उन सबको बुरी तरह से दबा दिया और बदले में क्लाइव ने कुछ मांग रखी। वो ये थी कि बंगाल में जो शोरे का उत्पादन होता है उसका एकाधिकार कंपनी को मिल गया। तो कंपनी ने अपनी सहायता के बदले नवाब से कुछ रियायतें प्राप्त की। शोरे का जो उपयोग किया जाता था बारूद बनाने में किया जाता था, इसलिए अति आवश्यक था कंपनी के लिए। सिर्फ 15% जो हिस्सा है शोरे का वो बंगाल के नवाब के लिए छोड़ दिया गया। कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो मीर जाफर के शासन के समय में हुई उनमें है, एक है शाहजादा अली गौहर का आक्रमण, जो आगे चलकर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक बनते हैं। तो दो बार आक्रमण किए इन्होंने 1759 में और 1760 में पुनः आक्रमण किया, और दोनों ही जो आक्रमण हैं शाहजादा अली गौहर के वो असफल रहे कंपनी की मदद से, या यूं कहें कंपनी की सेना के भय से अली गौहर को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और उनके आक्रमण पूरी तरह से असफल रहे। एक और इम्पॉर्टेंट घटना जो मीर जाफर के समय में हुई है वो है डचों का आक्रमण। डचों की बहुत सी बस्तियां थी बंगाल में, जिस तरह से फ्रांसीसी बस्तियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, उसी तरह से एक डच पावर भी थी, और 1759 में डचों ने बंगाल पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के लिए ये अच्छा मौका था कि वो डचों को पूरी तरह से परास्त करके बंगाल से डचों को पूरी तरह से निकाल देते। एक इम्पॉर्टेंट युद्ध हुआ है डचों और अंग्रेजों के बीच में, जिसे बेदरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 25 नवंबर 1759 को ये युद्ध हुआ है, बेदरा का युद्ध, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध में पराजय के पश्चात एक संधि हुई जिसमें डचों ने माना कि वो नवाब से कभी युद्ध नहीं करेंगे, अपने क्षेत्रों की किलेबंदी नहीं करेंगे और सैनिक भी एकत्र नहीं करेंगे। बेदरा का जो युद्ध है बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट कदम माना जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था मीर जाफर के समय में पूरी तरह से बिगड़ गई थी। राजस्व की वसूली पूरी नहीं हो पा रही थी,
मीर जाफर ने जो भेंट कंपनी और उसके अधिकारियों को प्रदान की थी उसकी वजह से बंगाल के नवाब का खजाना खाली हो गया था और इस पर भी कंपनी की निरंतर धन की मांगें बढ़ती जा रही थी। नवाब ने इन धन संबंधी मांगों की पूर्ति के लिए बर्दवान, नदियां और हुगली इन क्षेत्रों से राजस्व वसूली के अधिकार जो है अंग्रेजों को प्रदान कर दिए, लेकिन फिर भी कंपनी की जो लालच की प्रवृत्ति थी वो बढ़ती जा रही थी। इसी समय फरवरी 1760 में क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया गया और क्लाइव के स्थान पर हॉलवेल को गवर्नर बनाकर भेजा गया। हॉलवेल के समय में एक षड्यंत्र किया गया कि मीर जाफर को गद्दी से हटाया जाए और किसी और व्यक्ति को नवाब के पद पर बिठाया जाए जो कंपनी को और अधिक रियायतें और अधिक भेंट और धन संबंधी मांगों की पूर्ति कर सके। हॉलवेल भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए। जुलाई में वेंसी टार्ट को कंपनी का गवर्नर बना के भेजा गया बंगाल में और उनके समय में ये षड्यंत्र पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया। मीर जाफर को जो गद्दी से हटाने का षड्यंत्र किया गया 1760 की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये जो षड्यंत्र किया गया मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम, उनको गद्दी पर बिठाने के लिए षड्यंत्र किया गया। मीर कासिम काफ़ी योग्य थे और अति महत्वाकांक्षी थे तो कंपनी ने इनके साथ में एक समझौता किया। 27 सितंबर 1760 को कलकत्ता में वेंसी टाट जो कि गवर्नर थे और मीर कासिम के बीच में एक गुप्त संधि हुई और इस संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और मीर कासिम अंग्रेजी सेना की मदद ले सकेगा लेकिन इसके बदले में उससे उस सेना का खर्च वहन करना पड़ेगा। मीर कासिम ने यह भी माना कि वो बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव ये तीनों ज़िले जो है वो अंग्रेजों को प्रदान कर देगा। और भी बहुत सी व्यापारिक रियायतें जैसे कि सीमेंट, सिलहट में सीमेंट का जो आधा भाग है वो अंग्रेज 3 वर्ष तक खरीद सकेंगे। इसी तरह से कंपनी दक्षिण में अभी युद्ध करना चाहती थी तो दक्षिण के युद्धों के लिए मीर कासिम ने कंपनी को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी किया। इसके अलावा कंपनी को 25 लाख रुपए भेंट मीर कासिम प्रदान करेंगे, ये सब निश्चित किया गया और इस तरह से मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। मीर जाफर ने चुपचाप अपनी गद्दी त्याग दी, रक्तहीन क्रांति हम इसको एक तरह से कह सकते हैं, कोई संघर्ष हुआ नहीं। मीर जाफर जो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था नवाब उसको भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी मीर कासिम जो कि अंग्रेजों का प्रतिनिधि था उसके पक्ष में। मीर कासिम का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1760 से 1763 का जो समय है। मीर कासिम जो नवाब थे वो बंगाल के जितने भी नवाब हुए उनमें सबसे योग्य नवाब माने जाते हैं। उन्होंने बंगाल में जो अव्यवस्था थी, अराजकता थी, उसको काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुई, लेकिन मीर कासिम की जो योग्यता थी वो कंपनी को पसंद नहीं आई और इसलिए मीर कासिम और कंपनी के मध्य संघर्ष की परिस्थितियां निर्मित हुई। मीर कासिम के समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए। मीर कासिम ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उसने जहाँ भी उसको जानकारी मिलती कि जमींदारों के पास में अत्यधिक धन है तो इस धन को जब्त कर लेता। सरकारी व्यय में कमी की गई, इसी तरह से राज्य की आय में वृद्धि के लिए कुछ नए कर भी लगाए गए, जमींदारों से जो बकाया कर था उसकी राशि भी वसूल की गई। तो इस तरह से मीर कासिम ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयास किए। साथ ही साथ उसने सैनिक व्यवस्था को भी सुधारने के प्रयास किए। बंगाल की सैनिक व्यवस्था का पुनर्गठन भी मीर कासिम के द्वारा किया गया। मीर कासिम ने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, उसने यूरोपीय तरीके से सैनिक प्रशिक्षण दिलवाने की कोशिश की। मीर कासिम के समय में राजधानी परिवर्तन भी की गई, जो पहले मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर में नई राजधानी बनाई मीर कासिम ने ताकि अंग्रेजों को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल सके। नई राजधानी की उसने सुदृढ़ किलेबंदी की, एक बड़ी सेना 40,000 की सेना वहां पर रखी सिक्योरिटी के लिए, बारूद बनाने और तोप बनाने का कारखाना जो है वहां पर स्थापित किया गया। तो इस तरह के तमाम कार्य मीर कासिम के समय में किए गए। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष उत्पन्न हुआ उसके अगर हम कारण देखें तो पहला कारण अंग्रेजों की धन
लिप्सा जो थी वो बढ़ती जा रही थी, उनकी मांगे निरंतर बढ़ती जा रही थी। मीर जाफर के समय के काफ़ी सारे ड्यू थे, बकाया थे, जो उन्हें देने थे और उन्होंने दिए नहीं थे। तो कंपनी चाहती थी मीर कासिम उन सब बकाया राशि की पूर्ति करें। फिर सत्ता का प्रश्न इम्पॉर्टेंट था कि बंगाल में किसका कानून इम्पॉर्टेंट है, किसका कानून चलेगा, नवाब का या कंपनी का। कंपनी चाहती थी कि उसके क्षेत्रों में वो अपने तरीके से न्याय करें, अपने हिसाब से चले, और नवाब चाहता था कि नवाब के कानूनों की पालना समस्त बंगाल में की जाए। तो एक सत्ता का प्रश्न ये भी था। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न था जिसको लेकर आगे चलकर विवाद उत्पन्न हुआ वो है व्यापारिक नीति। पहले भी हम बात कर चुके हैं प्लासी के युद्ध के संदर्भ में कि किस तरह से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की परमिशन मिली हुई थी काफ़ी समय से। 1717 से मुगल बादशाह फरुखशियर ने फरमान के द्वारा उनके इन अधिकारों की पुष्टि भी कर दी थी। तो अंग्रेज़ ये जो सुविधाएं हैं इनका दुरुपयोग बहुत किया करते थे। वो अपने निजी व्यापार में फरमान का प्रयोग करते थे, यानी अपने अपने जो सामान है उसको चुंगी मुक्त करवा लिया करते थे। यही नहीं बल्कि वो भारतीय व्यापारियों को भी ये फरमान देकर उनसे कुछ धन की प्राप्ति करके उनके सामान को भी बिना चुंगी दिए निकलवा देते थे। तो इस व्यवस्था से बंगाल के राजस्व को दोहरी हानि होती थी। ना तो कंपनी राजस्व दे रही है, ना कंपनी के कर्मचारी जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं वो भी किसी तरह के राजस्व का भुगतान नहीं कर रहे, और साथ ही कंपनी भारतीय व्यापारियों से सांठगांठ भी करके राजस्व का नुकसान करवा रही है। तो ये तमाम मसलों के सुलझाने के लिए मीर कासिम ने एक संधि की वेंसीटाट के साथ में, जिसे मुंगेर की संधि के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1762 में ये संधि की गई, जिसे मुंगेर की संधि के नाम से जाना जाता है, वेंसीटाट और मीर कासिम के बीच में। व्यापार संबंधी जो तमाम जो दो चीज़ें चल रही थी व्यापार के संदर्भ में, उनको ख़त्म करने के लिए ये निश्चय किया गया नवाब के द्वारा। मीर कासिम ने निश्चय किया कि अब अंग्रेज़ों से भी भविष्य में 9% चुंगी वसूल की जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए 25-30% तक चुंगी लेने का प्रावधान किया गया। दूसरा निश्चय किया गया कि कानून संबंधी जो निर्णय है, अंग्रेज़ अपने मामले अपनी ही अदालतों में सुलझाते थे। तो बंगाल में पैरेलल दो तरह के कानून चल रहे थे, कंपनी का कानून और दूसरा नवाब का कानून। तो मीर कासिम ने अभी निश्चय किया कि बंगाल में अब सिर्फ नवाब का कानून ही मान्य होगा, अर्थात जो कंपनी के मसले हैं वो भी नवाब की अदालतों में सुलझाए जाएंगे। तो ये जो संधि हुई, इसको जो कलकत्ता काउंसिल है उसके जो सदस्य हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ना ही संधि का पालन किया। संधि का बहुत ज़्यादा विरोध किया क्योंकि कंपनी को अब बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता था, क्योंकि सभी को चुंगी मुक्त कर दिया गया था, तो कंपनी इसका दुरुपयोग कैसे कर पाती। तो अंग्रेज़ इससे बहुत नाराज़ हुए, और उसके बाद में जब इस संधि का पालन नहीं हुआ तो मीर कासिम ने देशी व्यापारियों को जीवित रखने के लिए 22 मार्च 1763 को बंगाल में, संपूर्ण बंगाल में चुंगी ही समाप्त कर दी 2 वर्ष तक के समय के लिए। तो एक तरह से नवाब ने ये समानता का जो कानून लागू किया था वो भी कंपनी को पसंद नहीं आया। कंपनी और नवाब के जो संबंध थे वो निरंतर खराब होते जा रहे थे। इसके अलावा इन सब परिस्थितियों ने अंग्रेज़ों को उकसा दिया, और एलिस जो थे पटना के अधिकारी, उन्होंने पटना पर अधिकार कर लिया। जून 1763 में मीर कासिम ने अपनी सेनाएं भेजकर पटना को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, और इस तरह से कंपनी और मीर कासिम के बीच संघर्ष की जो शुरुआत थी वो 1763 से शुरू हो गई। जून 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध भेजा गया। एडम्स ने मीर कासिम को पराजित कर दिया और पटना पर फिर से अंग्रेजी शासन स्थापित हो गया। मीर कासिम ने जाकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण प्राप्त की दिसंबर 1763 में। वहाँ पर मीर कासिम को मुगल बादशाह मिले शाह आलम सकीन, और इन तीनों शक्तियों ने मिलकर एक बार अंग्रेजों से मुकाबला करने का निश्चय किया। मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम सकीन और अवध के नवाब जो वजीर भी कहलाते हैं शुजाउद्दौला, उन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ में एक संघर्ष किया जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। उधर बंगाल में अंग्रेजों ने मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब घोषित कर दिया 7 जुलाई
63 को। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 कंपनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ है उत्तर भारत की तीन प्रमुख शक्तियां, मीर कासिम जो अब बंगाल के नवाब तो नहीं है लेकिन पूर्व बंगाल के नवाब शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला। कंपनी ने इन तीनों की सम्मिलित सेनाओं को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। थैंक यू।